कॉन्ड्यूट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कॉन्ड्यूट अपने पास LMS, HMS, MMS सारी क्वालिटीज में आते हैं। उसके साथ जितनी उसकी एक्सेसरीज रहती है, आपका टी एल्बो सारे A to Z, वो सब इसके साथ मिलते हैं। यूज़ कर रहे हो, जो बेनिफिट आपके लिए दिया गया है उसे मैक्सिमम आपके लिए यूटिलाइज करो। कहीं कोई इश्यूज आता है तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी हुई है। प्रोडक्ट के बारे में सारी प्रेजेंटेशन थी। अच्छे इलेक्ट्रिशियन जो इसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड टेक्निकल प्रोग्राम अरेंज कर, जो कि एक वन फुल डे प्रोग्राम होगा जो आपको एक इलेक्ट्रिशियन से एक्सपर्ट बनाएगा। वो प्रोग्राम का उद्देश्य होगा कि आपको केवल ना हम लोग से इलेक्ट्रिक के बारे में बताएंगे, सेफ्टी के बारे में बताएंगे, बट आपको आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप आज की तारीख में अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में जो बड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट है वो लोग आपका काम भी ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज के 3 से 5 साल के आगे का अगर हम सोचे तो स्मार्ट ऑटोमेशन कितने लोगों को पता है? देखो, अगर आप गिनती लगर यहां पर लगाओगे तो मुश्किल से 5 या 7 लोगों को पता है, 150 लोगों के साथ। स्मार्ट ऑटोमेशन अगले 3 से 5 सालों में इवन एक जो 1 BHK जिसका घर है वो भी बनाना चालू करते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट स्विचेस होंगे, स्मार्ट लाइटिंग होगी, स्मार्ट फैन होगा, स्मार्ट कंट्रोलर होंगे, स्मार्ट पर्दे होंगे जो कि मोबाइल ऐप पे चलेंगे। लेकिन इसको इंस्टॉल कौन करेगा? फाइनली तो इलेक्ट्रिशियन ही करेगा, लेकिन कौन कर पाएगा? जिसको आता ही नहीं है वो कैसे कर पाएगा? तो आपको सीखना पड़ेगा, वो उसकी ट्रेनिंग आपको देगा। कम से कम इस ट्रेनिंग का खर्चा पर पर्सन हमारे लिए पड़ेगा लगभग 10,000 फुल डे की जो ट्रेनिंग है। तो हम उन एक्सपर्ट्स, उन इलेक्ट्रिशियंस को चुनेंगे इस प्रोग्राम के द्वारा जो अच्छा काम करते हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जब ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे, हमने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया तो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, नेशनल स्किल उनका जो एक डेवलपमेंट अकेडमी है NSDC, उसका एक आपको डेडिकेटेड सर्टिफिकेट देगा। तो कल को फ्यूचर में हर एक आदमी तरक्की करना चाहता है, करेक्ट? अगर आज कोई नॉर्मल जिसने 4-5 साल से काम सीखा है इलेक्ट्रिशियन का, वो फ्यूचर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे अंडर में 20 लोग काम करें, तो यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे कॉन्ट्रैक्टर, कुछ लोग केवल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिशियन, अकेले इलेक्ट्रिशियन ही होंगे, उनके अंडर लोग नहीं होंगे। तो उनका फ्यूचर एस्पिरेशन होगा, यार मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, मेरे पास में 10 लोग 15 लोग काम पे होने चाहिए। बट वो कब होगा? जब आप प्रोफेशनल खुद बन जाओ। स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरा उद्देश्य एज अ कंपनी का उद्देश्य जो होना चाहिए उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, ना केवल पैसे देने से आपकी कुछ रोजमर्रा की जरूरतें मैं पूरी कर पाऊंगा। आप जब स्कैन करोगे तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन हमने कैलकुलेट किया है, ऑन एन एवरेज अगर वो पूरा महीना काम कर रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हमारे स्विच गेयर, हमारे वायर, हमारे लाइट या फैन यूज कर रहा है, तो कम से कम ऑन एन एवरेज 5,000 रुपया महीना इसमें से निकाल सकते हैं केवल पॉइंट्स। 5,000 रुपये में वो अपना मोबाइल का बिल, अपना रोज का तंबाकू सिगरेट का खर्चा अगर कर रहा है कुछ नशा, तो उसका खर्चा, रोज का आने जाने का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ये सारा ऊपरी। सबसे पहले तो आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाएं। आज मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन आज के डेट में 35,000 करोड़ का है, ये 35,000 करोड़ की कंपनी किसने बनाई सर? ये कंपनी आप लोगों ने बनाई। दूसरा, जो आप लोगों ने क्या काम किया है, आज आपने इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में 7th largest मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर एंड केबल्स बनाया है। किसने बनाया सर? तो ताली किसके लिए होनी चाहिए? तो आप लोगों की मेहनत से कंपनी आज यहां पे पहुंची है, तो कंपनी का भी ये कर्तव्य होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन्होंने कंपनी को इस लेवल पे पहुंचाया है, अब कंपनी का समय आ गया है कि उन स्टेक होल्डर्स को भी, उनके एसोसिएशन का,
उनका जो सपोर्ट रहा है कंपनी को, उसके एवज में कंपनी उनको क्या वापस दे सकती है। इसके लिए जो भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हो या जो भी नीलेश सर ने आप लोगों को बताया, जहां पे हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, अभी जो भी गिफ्ट्स अनाउंस होंगे वो भी आप लोगों के सामने होंगे, वो भी आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी इस चीज को समझती है, इस चीज को मानती है कि जो भी लोग हमसे इतने सारे लोग एसोसिएटेड रहे हैं, जिन्होंने कंपनी को इतना बड़ा बनाया है, कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको भी देना है, क्योंकि वो इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, यानी कि आप सब। इसके लिए अगर आप लोगों ने ये सब देखा होगा, जो भी पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि पहले नहीं थी, हार्डली किसी कंपनी में आज के डेट में अवेलेबल है इतने बड़े बड़े पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स कंपनी ने इसी के हिसाब से दिया है। अगर आज आप देखने के लिए जाएंगे आरसीसीबी, एक आरसीसीबी के ऊपर में 100 रुपए, एक आरसीसीबी के ऊपर में 100 रुपए, यानी कि अगर आपने 10 आरसीसीबी भी बेच दिया तो 1000 रुपए आपके खाते में। सिमिलरली अगर वायर की बात करने के लिए जाएंगे तो वायर में भी हमने ये देखा है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग उसके स्कैनिंग को यूज नहीं करते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी आपको देना चाहती है कृपया आप लोग उसको जरूर लें, वो आपका हक है, वो कंपनी ने आपके लिए दिया है। तो जब भी आप हमारा वायर यूज करते हैं, प्लीज उसके ऊपर में जो QR कोड होता है उसको जरूर स्कैन करें। MCB जो भी आप लेंगे, अभी हमने ये जस्ट जनवरी के महीने से ही लॉन्च किया है, तो जो भी नए प्रोडक्ट, जो भी नए पैकिंग के ऊपर में जहां जहां आपको QR कोड मिलेगा, जरूर आप उसको यूज करें। ये जो भी चीजें हमने आज आपको बताई हैं, जो भी चीजें नीलेश सर ने आज आपको बताई हैं, इसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही सरल सा है कि हमको आपके साथ मिलकर जहां आज हम 7वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में, वहां हमको कितने नंबर पे पहुंचना है सर, और वो कौन पहुंचाएगा सर? तो आप लोग सब हमारे साथ हैं सर, तो इसी बात में बोलिए जय हिंद। धन्यवाद। नीलेश मलानी, मैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूं, और ये पहला प्रोग्राम हमने रखा है पॉलीकैब एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम का। पूरे भारत में ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें से पहला हमने मुंबई में रखा है, क्योंकि जो हमारा एनुअल प्रोग्राम है पॉलीकैब एक्सपर्ट्स प्रोग्राम, इसके जो ऑल इंडिया विनर हैं वो बॉम्बे से हैं, और जिन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी जीती है इस प्रोग्राम के तहत, हमारे रीजनल विनर जो वेस्टर्न रीजन के विनर भी हैं वो भी बॉम्बे से हैं कोइंसिडेंटली, और उन्होंने एक प्रीमियम बाइक जीती है, तो उन्हीं को रिकग्नाइज करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। प्राइज जो दिया आपने, वो उसके लिए आपने क्या योजना बनाई थी उनके लिए? या हमारा जो प्रोग्राम है उसके कई हिस्से हैं, जैसे कि वो जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, हमारा जो प्रोग्राम में सबसे पहला चीज़ है कि वो हमारे प्रोग्राम में एनरोल होने चाहिए, दूसरा है वो पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स को लगातार यूज़ करें हर महीने दर महीने, वो दूसरा पड़ाव है, तीसरे पड़ाव में हम उनको जो ट्रेनिंग देते हैं या उसमें जो क्विज करते हैं उनमें वो विनर होने चाहिए, तो ऐसे 3-4 पैरामीटर है, और हमारी पूरी रेंज का वो इस्तेमाल करते हैं, और यू नो सेफ्टी प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं,
ये सारे क्राइटेरिया के तहत वो लोग विनर कहलाते हैं। तो ग्रीन वायर भी आपने लॉन्च किया है, उसके बारे में। सो पॉलीकैप ग्रीन वायर जो है वो पॉलीकैप का बेस्ट प्रोडक्ट है आज की तारीख में, जिसके अंदर 5-in-1 ग्रीन शील्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि सबसे सेफेस्ट वायर बोलते हैं हम उसको, पर्यावरण की सुरक्षा करता है क्योंकि उसके जो पीवीसी इंसुलेशन है बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा शॉक प्रूफ है, फायर से बचाता है कस्टमर को। तीसरा जब भी वायर नॉर्मली जब भी आग पकड़ती है तो उसमें जो पीवीसी की क्वालिटी इतनी अच्छी हमने बनाई है जिससे कि वो सफ़ेद धुआं छोड़ती है, जिसके वजह से और नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिसिटी की वजह से इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली जब भी फायर होता है तो लगभग 70% जो मौतें होती हैं वो काले धुएँ को इनहेल करने से होती है, बट पॉलीकैप ग्रीन वायर में सफ़ेद धुआं लेता है, जिसकी वजह से वो जो हम लोगों ने बड़ा प्रॉब्लम है जब भी ये आग पकड़ता है कुछ चीज़, तो उसमें आदमी सेफली घर से बाहर या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से बाहर निकल सकता है और अपनी जान बचा सकता है। तो ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है और काफ़ी इसके ज़्यादा फायदे हैं। जो टेक्नीशियन जो आपके मुंबई तक सीमित है या जो ये जो प्रोग्राम है पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारे 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन हमारे प्रोग्राम में एनरोल्ड है, मेंबर है आपके, आप हाँ। सब डिटेल्स उनको जाती है और ये साल में एक बार आप उनको बुलाते हैं और उनको इनाम दिया। नहीं, ये सारे इलेक्ट्रिशियन जो लॉयल्टी पॉइंट्स है, जब भी वो हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट के पैकेजिंग के अंदर एक स्कैन कोड होता है, वो अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर सकते हैं और उसे उसमें पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ उसको बैंक ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि वो लोग अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करें और कंपनी उनको कोई ना कोई अलग तरीके से बेनिफिट देती है। बेस्ट प्राइस विनर जीतने का प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारी पूरी रेंज का इस्तेमाल करें। दूसरा है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ उन्होंने स्कैन किए हैं वो होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। और तीसरा है कि वो जब भी हम लोग कोई मिस्ट्री ऑडिट करते हैं जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि नहीं, उसके अंदर वो सफल हुए, तो जब मिस्ट्री ऑडिट होता है या जब हमारे वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्कैन करते हैं और हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, इन क्राइटेरिया की वजह से वो विनर कहलाते हैं। सर, ये हिंदुस्तान में कहाँ तक सक्सेस हुआ है प्रोडक्ट? थैंक यू। सॉरी, हिंदुस्तान में कहाँ तक सक्सेस हुआ है प्रोडक्ट आपका? सो पॉलीकैप जो है वो भारत की एक लीडिंग कंपनी है इलेक्ट्रिकल गुड्स में। हम लोग वन ऑफ द मार्केट लीडर्स हैं केबल्स और वायर्स में और फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडस्ट्री में इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो कि है फैंस, लाइट्स, स्विचेस, स्विच गेयर, पंप्स, स्मार्ट ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक की एंड टू एंड सर्विस है और कंपनी जो है वो उसको फ्यूचर में आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कितने साल से चल रहा है आपका ये? सो पहले ये दूसरे नाम से जाना चाहता था, बट पिछले 2 सालों से पॉलीकैप एक्सपर्ट्स नाम से इस प्रोग्राम को हम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट, हमारे जो भी टर्नओवर हमारे पब्लिश रिपोर्ट्स है उसके अंदर हमने देखा है कि लगभग 8-10% हम लोग का जो भी सेल है वो एक्सपोर्ट होता है और लगभग 60 से ज्यादा कंट्रीज में हम इनको सप्लाई करते हैं।